बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन अवर स्कूल नॉर्थ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज। बेटा, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को आज वेलकम करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में, जो कि क्लास मॉन सीनियर मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास जो देने जा रही हूँ आज, वो सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। आज मैं आप लोग को सोशल साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 13 देने जा रही हूँ। बेटा, लेक्चर नंबर 13 में मैं आप लोग को क्या लर्न करवाने जा रही हूँ, लेट्स सी। लेक्चर नंबर 13 को देखने से पहले कोई रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हाइजीन और हाइजीनिक एक्शन को कवर किया था, उससे रिलेटेड वर्क भी आप लोग को होमवर्क के लिए मिला था। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो बेटा, और लाजमी तौर पे लर्न भी करा होगा हाइजीन और हाइजीनिक एक्शन को। आज लेक्चर नंबर 13 में हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं, सो लेट्स सी। वाओ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आज बहुत ही हम लोग इंटरेस्टिंग जो है वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कल ओनली दोज थिंग्स विद इट्स नेम दैट वी यूज इन द बाथरूम। क्या लिखा हुआ है? सर्कल ओनली दोज थिंग, सर्कल करें जस्ट उन थिंग्स को दैट वी यूज इन द बाथरूम, जो कि कहाँ यूज की जाती हैं? बाथरूम में यूज की जाती हैं। जस्ट उन पिक्चर्स को क्या कर देना है बेटा? सर्कल कर देना है। तो बेटा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को पिक्चर्स नजर आ रही होंगी काफी सारी, लेकिन इनमें जो सर्कल करना है, जस्ट जो बाथरूम में चीजें होती हैं जो यूज की जाती हैं, उन पे सर्कल करना है। तो बेटा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा या मेरी स्लाइड में जो फर्स्ट वन पिक्चर मौजूद है वो है बेटा शैम्पू। शैम्पू आप लोग के बाथरूम में होता है, आप लोग बताइए मुझे, आप लोग को बताना है बेटा, क्योंकि बाथरूम तो सबके घरों में होता है और सब जानते हैं कि बाथरूम में कौन सी चीज होती है कौन सी चीज नहीं होती। तो हमें जस्ट उस चीज पे सर्कल बनाना है, साथ साथ जिन पे बनेगा जो बाथरूम में होती है। ठीक है बेटा, द फर्स्ट वन इज शैम्पू। तो शैम्पू वॉशरूम में होता है, बिल्कुल होता है, बाथरूम में होता है शैम्पू, क्योंकि इससे हम लोग शावर लेते हैं, ये बाथरूम में होता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे, जो कि आप लोगों को नजर आ रही होगी, यहाँ पे काइट। काइट होती है बाथरूम में? नहीं होती काइट, काइट थोड़ी होती है बाथरूम में, तो द सर्कल नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं थर्ड पिक्चर पे, थर्ड पिक्चर है हेयर ब्रश। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बेटा, हेयर ब्रश आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्या आप लोगों को पता है ये हेयर ब्रश होता है बाथरूम में या नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि इससे हम लोग अपने हेयर्स बनाते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पिक्चर पे, फोर्थ पिक्चर है क्लॉक की। आप लोग मुझे बताइए, क्या क्लॉक होती है वॉशरूम में? बताइए बेटा, क्लॉक आप लोग वॉशरूम में देखते हैं? क्लॉक नहीं, क्लॉक वॉशरूम में नहीं होती, इसलिए इस पे सर्कल नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं जिन जिन पे सर्कल होगा, और टीचर ने आप लोग को स्लाइड पर खुद से शो करा हुआ है कि जिन पे सर्कल आप लोग को बनाना है अपनी कंपाइल में, तो यहाँ पर टीचर ने शो करके आप लोग को सर्कल करके बताया हुआ है कि यहाँ यहाँ पर सर्कल बनाना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, जो कि क्या है? हैंड वॉशर, हैंड वॉश। तो बेटा, आप लोग बताइए, हैंड वॉश पे सर्कल होगा क्या? हैंड वॉश बाथरूम में होता है, बिल्कुल होता है हैंड वॉश, तो इस पे भी सर्कल बन जाएगा। इसी के बाद बेटा मौजूद है हमारा पिज्जा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैंड वॉश जो है वॉशरूम में होता है, बाथरूम में होता है, तो आप लोग इस पे सर्कल बना देंगे, इसे हैंड वॉश किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर में, आप लोग को नजर आ रहा होगा पिज्जा, पिज्जा होता है और बाथरूम में नहीं होता, इस पे सर्कल नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे, नेक्स्ट पिक्चर है हमारी सोप। तो बेटा, सोप होता है बाथरूम में, बिल्कुल होता है, तो सोप पे बना देंगे सर्कल इस तरीके से। कार बाथरूम में होती है? नहीं होती, इस पे सर्कल नहीं बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर बाथरूम में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसे ड्राई किया जाता है। तो बेटा, ये यहाँ पर आ गए, टिश्यू पेपर पे भी सर्कल आ गया। ये हमारा है टॉयलेट, आप लोग देख सकते हैं टॉयलेट होता है बाथरूम में, इस पे भी सर्कल बन जाएगा। इसके बाद बेटा टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये भी होता है, तो इन पे भी सर्कल आ जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा जो मिरर है, ये बाथरूम में लाजमी होता है, इस पे भी सर्कल बना देंगे। इसके बाद हमारी बुक जो है बाथरूम में नहीं होती, तो इस पे सर्कल नहीं बनेगा। इसके बाद है हमारा वॉश बेसन सिंक, जो कि कहलाता है सिंक पे, यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बाथरूम में होता है वॉश बेसन। इसके बाद है हमारा टॉवल, टॉवल बाथरूम में लाजमी होता है, इसे ड्राई किया जाता है अपनी बॉडी को।
अपने हेयर्स को, तो बेटा इस पे भी सर्कल बना देंगे। शावर से तो हम शावर लेते हैं, ये बाथरूम में ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, इस पे भी सर्कल बन जाएगा। क्या माइक्रोवेव होता है बाथरूम में? नहीं बेटा, ये तो किचन की है थिंग, तो ये किचन में होता है हमारा मौजूद, ये बाथरूम में नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्या नाम है ऑब्जेक्ट पे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टैप। टैप बिल्कुल होता है, टैप के जरिए ही हम लोग हैंड वॉश करते हैं, इसमें पानी आता है, वाटर आता है, तो इसके थ्रू हम लोग अपने हैंड वॉश करते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर है पेंसिल की। पेंसिल पे सर्कल नहीं होगा क्योंकि पेंसिल बाथरूम में नहीं होती। तो बेटा आप लोगों ने देखा यहाँ पे कितनी पिक्चर्स पे हमने सर्कल करा, हमने करना है शैम्पू पे सर्कल, हेयर ब्रश पे सर्कल, हैंड वॉश पे सर्कल, सोप पे सर्कल, टॉयलेट पेपर पे, कमोड पे यानी कि टॉयलेट पे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिरर, शॉवर, टॉवल, सिंक और टैप। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हमारी यही है कि सर्कल करनी है ओनली दोस थिंग विच यू यूज इन द बाथरूम। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी जो चीजें हैं यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी। बकेट, बकेट होती है, बिल्कुल होती है, जो शावर से नहाना लाइक नहीं करते, बाथ चलाना लाइक नहीं करते, वो बकेट में वाटर फिल अप करके नहाते हैं, ये भी लाजमी होती है। इसके अलावा नजर आ रहा होगा आप लोगों को बाथटब में कुछ लोग बाथटब में शावर नहीं लेते, वो बाथटब में बाथ लेते हैं अपना, तो बाथटब पे भी सर्कल बना देंगे। इसके बाद है लॉन्ड्री बास्केट। लॉन्ड्री बास्केट भी बाथरूम में होती है क्योंकि जब हम चेंज वगैरह करते हैं तो हम लोग अपने वहीं बकेट में अपने जो है अपने ड्रेसेस रखते हैं, तो बेटा ये आप लोगों ने इस पे भी सर्कल बना देना है। तो बेटा ये आप लोगों ने पूरा देखा कि टीचर ने किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया, कंप्लीट करना है आप लोगों ने इसी तरीके से, जैसे कि टीचर ने सर्कल बनाया है आप लोग ने भी इसी तरीके से सर्कल बना देना है अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है बेटा, जो कि मैंने आप लोगों को जस्ट बताया उन पे सर्कलिंग होगी। और साथ साथ लर्न भी करनी है ये वोकैबुलरीज जो कि बाथरूम में होती हैं, यूज की जाती हैं, जिन पे हम सर्कल बनाएंगे। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद इट्स नेम दैट वी यूज इन द बाथरूम। मैच करने हैं ऑब्जेक्ट्स को उनके नेम के साथ दैट वी यूज इन द बाथरूम। आप लोग देख सकते हैं बेटा मैंने अभी आप लोग को जो बाथरूम में यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, मैंने भी आप लोग को उनपे सर्कलिंग करना बताई। अब आ जाती है इनकी मैचिंग की बारी, तो आप लोग देख सकते हैं द फर्स्ट वन पिक्चर इज, मैंने इन सबके नेम आप लोग को सर्कल करते वक्त बताए थे। ये जो फर्स्ट वन पिक्चर है ये हमारी शैम्पू की गिवन है, आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने माउस के थ्रू एरो के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ, ये हमारी शैम्पू की पिक्चर है, तो ये मैच कर दी जाएगी SHAMPOO शैम्पू। इसके बाद ये है हमारी शॉवर की पिक्चर, तो ये SHOWER शॉवर से मैच हो जाएगी। इसके बाद है हमारी ये बकेट BUCKET बकेट, इसी स्पेलिंग है, ये मैच हो जाएगी इससे। अगर ये आप लोग स्पेलिंग लर्न कर लेंगे तो आप लोग इजीली पिक्चर को देखते हुए इसकी स्पेलिंग को सर्च करके मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है ये आपको इसी स्पेलिंग को लर्न करना है, ठीक है बेटा। ये आ जाती है अब बारी सोप की। सोप की स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है, SOAP सोप, सोप कहते हैं साबुन को, बकेट बाल्टी को कहते हैं बेटा, शावर फवारा हो जाता है, और ये हमारा यहाँ पे शैम्पू है, ये आता है सिंक, वॉश बेसिन जगह कहलाता है सिंक, SINK सिंक, ये इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद है हमारा टॉवल, टॉवल जो है TOWEL टॉवल, टॉवल को मैच करेंगे टॉवल से, ये टॉवल कहलाता है बेसिकली तौलिया। अब है हमारा यहाँ इस लाइन का हमारे लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट पिक्चर है हमारी बाथटब की, BATH बार TUB टब बाथटब, ये आप लोगों ने मैच कर देना है बाथटब को नंबर वन जो फर्स्ट पे आप लोगों की स्पेलिंग लिखी हुई उससे। अब आ जाते हैं अपनी इस साइड पे, द फर्स्ट वन इज हेयर ब्रश, हेयर ब्रश को मैच कर देंगे इधर से, HAIR हेयर, BRUSH ब्रश, हेयर ब्रश। अब सेकंड पिक्चर है टॉयलेट पेपर, TOILET टॉयलेट, PAPER पेपर, टॉयलेट पेपर से मैच कर देंगे इसकी स्पेलिंग को। ये आ गई मिरर की पिक्चर, MIRROR मिरर, इससे मैच कर देंगे। इसके बाद है हमारी पिक्चर यहाँ पर हैंड वॉश की, HAND हैंड, WASH वॉश, सबसे लास्ट पे हैंड वॉश को मैच कर देंगे। इसके बाद है ये हमारा टॉयलेट, आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, TOILET टॉयलेट, ये टॉयलेट को यहाँ से मैच कर देंगे, यहाँ पे लिखी हुई इसकी स्पेलिंग। इसके बाद है बेटा हमारी टैप की पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं TAP टैप, तो टैप को मैच कर देंगे इससे, जो कि नल कहलाता है, ठीक है बेटा, मिरर आईने को कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बारी टूथब्रश एंड टूथपेस्ट की, टूथब्रश ये जो ऊपर बना हुआ है हमारा टूथपेस्ट बना हुआ है, तो उसको मैच कर देंगे TOOTH, PASTE
पेस्ट, टू पेस्ट, इसके बाद है टू ब्रश, TOTWTH, टू BRUSH, ब्रश, टू ब्रश। तो आप लोगों ने ये स्पेलिंग यहाँ से मैच कर देनी है। सही है बेटा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने मैशिंग करनी है, सर्किंग करनी है उन वोकैबुलरीज की जो कि बाथरूम में यूज की जाती हैं। तो बेटा आप लोगों ने साथ साथ इनकी स्पेलिंग्स को लाजमी तौर पर लर्न करना है, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि बाथरूम में क्या यूज की जाती है मतलब थिंग्स, लेकिन इसके साथ साथ उनकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए ताकि आप लोग इजीली अपनी एक्टिविटीज को दोनों को कर सकें। तो बेटा अब आ जाती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मौजूद है होमवर्क असाइनमेंट स्लाइड। होमवर्क असाइनमेंट स्लाइड आप लोग का जो बेटा बेसिकली होमवर्क है वो आप लोग का क्या है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ आप लोग का पेज नंबर 218 एंड 219 पे आप लोग का होमवर्क गिवन है, सर्कल ओनली दोस थिंग विद इट्स नेम दैट वी यूज इन द बाथरूम गेट, पेज नंबर 218 पे मौजूद है, और 219 पे मैच द ऑब्जेक्ट्स विद इट्स नेम दैट वी यूज इन द बाथरूम। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 218 जो आप लोग की वर्कशीट है ये मैंने पहले यहाँ आप लोग को बताई कि आप लोग की कंपाइल मौजूद है, और 219 ये वाली वर्कशीट है ये भी आप लोग की मौजूद है कंपाइल में। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ आप लोग की कंपाइल। ये मेरे पास मॉन सीनियर की कंपाइल मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसका पेज नंबर 218 मैं अपने पास ओपन कर लेती हूँ। पेज नंबर 218 पे क्या वर्क है देख लेते हैं बेटा। 218 पे आप लोग देख सकते हैं बेटा ये मौजूद है सर्कल ओनली दोस थिंग विद इट्स नेम दैट वी यूज इन द बाथरूम, जस्ट उन थिंग्स पे आप लोगों ने सर्कल कर देना है 218 पेज पे जो कि बाथरूम में यूज की जाती है। एंड इसके बाद है 219 पेज पे आपने मैचिंग कर देनी है जस्ट उस ऑब्जेक्ट की जो के बाथरूम में यूज की जाती है। ये देखना है सही से मैचिंग करनी है उनकी एक्चुअल वोकैबुलरी से, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को एक्चुअल नेम से उसकी मैच करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोग को ये दोनों पेजेस बता दिए हैं जो कि मैंने आज आप लोग को होमवर्क दिए हैं। अपने ऑनलाइन लेक्चर में भी मैंने आप लोग को यही दोनों पेज जो है वो डिस्कस करे और पढ़ाए बेटा कि किस तरीके से आप लोगों ने मैचिंग करनी है, सर्किंग करनी है उन वोकैबुलरीज की, उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि बाथरूम में यूज की जाती है। तो बेटा यहाँ पे मेरा लेक्चर नंबर 13 होता है फिनिश। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं हाई स्टार एंड नॉर्थ सिटी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज के अलावा टैंक एप्लीकेशन कंपनी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है इसकी बेनतहा शुक्रगुजार हूँ कि इन सबके ताउन की वजह से हम आप लोग तक अपनी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को पहुँचा पा रहे हैं। सो वी हाई स्टार एंड नॉर्थ सिटी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी फर्स्टली एंड टैंक एप्लीकेशन कंपनी इस्लामाबाद फॉर दिस एकेडमिक कलिब्रेशन विच ब्रिंग दीज क्वालिटी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। तो बेटा यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है फिनिश। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर को आज बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है और आप लोगों ने ये अपना होमवर्क बेटा जो आज आप लोगों को पेज नंबर 218 एंड 219 जो आप लोगों को दिया गया है वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने कंप्लीट करना है अपनी कंपाइल में, और कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क लाजमी तौर पे स्कूल में अपने सबमिट करें ताकि बेटा आप लोग का होमवर्क जो है वो चेक हो सके साथ साथ। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।